इधर जी आप देख सकते हैं पानी का बहाव कितना तेज़ है इधर को जी। ये सारे का सारा दरिया जी पानी, और जब इंडिया ने पानी छोड़ा था पानी कम से कम वो झाड़ियों तक गया हुआ था जी। इधर जी सामने पाक आर्मी की चौकी दिखाई दे रही है, इधर वो आ गई जी। कह दसना पाक इंडिया बॉर्डर का आखिरी गांव है। तो किन्ना बड़ा पानी आया इंडिया भला? पहले भी कितना पानी आया कि नहीं? पहला आंदा रहा वा ते बाबा चिर बाद आर का पानी आया। लोगों ने फसल में तबाह होने दर्क नहीं बोला? हाँ जी आ सारी जिन्नी आ जा पहली है जी। हाँ सब मुझी लग गई। सही जड़ी लगी चार साल या सारी दी सारी तबाह होगा। जड़ी हक है जोड़ के ही है। सही सही। अल्हम्दुलिल्लाह जी अभी हम पहुंच गए हैं पाक इंडिया बॉर्डर के लास्ट वाले शहर और हमारे टाउन जी कोट नैना में। इधर से जी कम से कम 3 किलोमीटर की मुसाफत पर है जी पाक इंडिया बॉर्डर और रावी रिवर जी। आज पूरा ही 300 का पाना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ मेरे सारे व्यूअर जहाँ भी अपनी फैमिली के साथ खुश होंगे, हंसते होंगे। इसी दुआ के साथ करते हैं हज का व्लॉग शुरू। तो व्लॉग शुरू करने से पहले जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि अभी होने वाले हैं मेरे 500 सब्सक्राइब कंप्लीट कुछ ही दिनों में। तो मेरे जल्दी जल्दी फैमिली मेम्बर बन जाएँ। तो जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ मेरी वीडियो को लाइक कर लें। बात कुछ यूँ आके जी 3 दिन से हो रही है लगातार बारिश, तो खेतों को जो पानी लगाना था वो अभी नहीं लग रहा जी। खाद भी हमने कंप्लीट कर दिया, तो ये 2-3 दिन जो है ना वो रेस्ट के थे। आपको कोई विजिट करवाते हैं मसलन के अपने इलाके की, कोई जो है ना विजिटिंग एरिया दिखाते हैं जी। अभी हम लोग जा रहे हैं जी दरियाए रावी पे और साथ पाक इंडिया बॉर्डर जो है ना उसका विजिट आपको कराना है। मैं जा रहा हूँ और मेरे साथ 2 दोस्त जा रहे हैं, वो कौन से अभी आपको बताते हैं। टाइम तकरीबन 10 बजे का हो गया, नहा के फ्रेश हो गया हूँ, अभी निकलते हैं जी सैर करने के लिए। बॉर्डर एरिया जी, मैं और सज्जाद और चौधरी इमरान गुजर जा रहे हैं जी सैर करने के लिए। अल्हम्दुलिल्लाह जी अपने गांव से हम निकल पड़े हैं जी पाक इंडिया बॉर्डर पर। इधर से जी तकरीबन 7 किलोमीटर की मुसाफत पर जो है ना वो रावी रिवर और जो है ना पाक इंडिया बॉर्डर है जी। अभी जी इधर से डलवाते हैं तेल जी, पेट्रोल डलवाते हैं बाइक में इधर से। नो हेलमेट नो पेट्रोल। आज पूरा 300 का पाना है। तो डीजल पूछा 300 तक नहीं पूछा? पांच घट है। अल्हम्दुलिल्लाह जी अभी हम पहुंच गए हैं पाक इंडिया बॉर्डर के लास्ट वाले शहर और हमारे टाउन जी कोट नैना में। इधर से जी कम से कम 3 किलोमीटर की मुसाफत पर है जी पाक इंडिया बॉर्डर और रावी रिवर जी। इधर से अपना सामान उठाते हैं जी थोड़ा सा साफ। जी हम लोगों ने खाने पीने के लिए कुछ सामान ले लिया और फिर जी अपने सफर की तरफ रवाना हो चुके हैं। नहीं हाँ स्कूल के बच्चों को छुट्टी भी हो गई है जी, कभी हम भी स्कूल जाया करते थे लेकिन अभी हम लोग करते हैं व्लॉगिंग यूट्यूब पे। सेकंड लास्ट विलेज है जी पाक इंडिया बॉर्डर तक पहुँचने का। इधर जी इतना ज़्यादा रास्ता ख़राब है कि हमारी बाइक जिधर फंस गई थी कितना कितना देखो जी मट्टी, और हमारे पाँव भी चेक करो इधर। गुजर आ जाओ निकलो, यू वेलकम। अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी मुश्किल से जो है ना उस रास्ते से होते हुए अभी हम लोग जी निकल गए अपने सफ़र की तरफ, फिर रवाना हो गए हैं। तो बहुत ही ज़्यादा मुश्किल रास्ता जी बॉर्डर को जाने के लिए,
लोग जी अपने चारा जो ना अभी लेके आ रहे हैं, हम लोग सुबह सुबह चारा लेके आते हैं, लेकिन इधर जी पानी आया हुआ बॉर्डर पे, तो लोग इस वक्त जो ना वे चारा लेके आते हैं ताकि जी धूप अच्छी निकल आए और जो है ना शाम वगैरह का खतरा होता है जी इधर बहुत ज़्यादा। अभी जो लोगों ने इस वक्त चेक कर सकते हैं आप जी चारा लेके आ रहे हैं, लहदा लहदा जो है लोगों ने पकड़ी हुई है जी गधे जी, इधर चेक करो पानी कितना ज़्यादा आ गया होगा। अल्हम्दुलिल्लाह हम लोगों ने अपना आधा सफ़र तय कर लिया, तो आपने अभी कुछ भी नहीं देखा क्योंकि हमने आपको भी कुछ दिखाया नहीं ऐसा। अभी मैं आपको जो दिखाने लगा हूँ वो जी सबसे अजीब है कि पत्थर जी लगा हुआ बन के साथ साथ ताकि जो आसपास के इलाके हैं ना वो महफूज रखें पानी से जी। इधर अल्हम्दुलिल्लाह ये देखो कितना ज़्यादा पत्थर लगा हुआ है ताकि ये पानी जो है ना ये कितना ज़्यादा पानी है इधर को आए, तो ये जी इधर सारी आबादी रहती है जिसलिए ये पत्थर लगा हुआ इधर जी। फिर जी अपने सफ़र को हम लोग रवाना हो गए हैं, तो इधर है जी डब्बर, मतलब बोलते हैं जी कि इसका तला जो है ना वो नहीं होता जी ज़मीन तक जी, ये बहुत ही ज़्यादा गहरी होती है नीचे को। इधर जी लोग जो है ना वो कच्चे मकान बना के ना मतलब के काने और सिरकियों वगैरह से तो इधर ज़िंदगी बसर करते हैं जो मैं आपको अभी, तो ये उनके जानवर जो है ना रास्तों में बैठे हुए हैं। ये देखो जी ये भी एक आबादी है जो इधर रहती है जी दरिया के पास पास जी, वो नीचे आप देख सकते हैं ये भी जी ज़िंदगी गुजारते हैं, ये उन्हीं के बच्चे हैं ये वाले जी। अल्हम्दुलिल्लाह जी अभी मैं जा रहा हूँ आपको दिखाने पाकिस्तान का लास्ट विलेज जी, दुआबे के नाम से मशहूर है, मसल दुआबा कहते हैं दो दरियाओं को मिलाने वाली सरजमीन जी, दुआबा पाकिस्तान और इंडिया को जो मिलाता ना दरिया उसे बोलते हैं जी दुआबा। तो मैं भी आपको गांव दिखाता हूँ जी कि वो कौन सा गांव है, वह दसना दुआब इंडिया बॉर्डर का आखिरी गांव है जी जेसी जी। इधर जी सामने पाक आर्मी की चौकी दिखाई दे रही है, इधर सामने पाक आर्मी की चौकी दिखाई दे रही है, इधर ये पानी की मेजरमेंट के लिए इन्होंने जो ना मीटर लगाया हुआ है इधर जी। ये रास्ता जाता जी नीचे रावी रिवर को, दरियाए रावी को जी ये रास्ता जाता जी नीचे जाता है। लोगों ने इधर अपनी जो गाड़ियाँ खड़ियाँ करके ना तो पार अपनी जो खेतों में गए हुए हैं लोग जी, देखो पानी दरिया। अल्हम्दुलिल्लाह जी अभी आपको मैं दिखाने लगा हूँ कि दरियाए रावी में कितना ज़्यादा तेज़ पानी का बहाव हुआ जी, अभी मैं आपको दिखाता हूँ जी कितना ज़्यादा पानी है दरियाए रावी में जी। इधर जी आप देख सकते हैं पानी का बहाव कितना तेज़ है इधर को जी, ये सारे का सारा दरिया जी पानी, और जब इंडिया ने पानी छोड़ा था पानी कम से कम वो झाड़ियों तक गया हुआ था जी, ये पानी जो है ये देखो जी पानी कितनी स्पीड से आ रहा है। इधर जी गोल चक्कर है, जहाँ गोल चक्कर हो दरिया में वहाँ जी ज़मीन का तला नहीं होता, ये पानी इधर को जा रहा है और इधर से घूम के फिर जी इधर ही रुकाता जा रहा है ये पानी। इधर भी जी गोल चक्कर है, वो देखो पानी कैसे चक्कर लगा रहा है। ये रहा जी बेड़ा जिसके ऊपर बैठ के वो जिन लोगों की बाइक और गाड़ियाँ ना वो दरिया के पार गई हैं जो उस पार, इधर बेड़े पे जो उन्होंने इंजन लगाया हुआ है कि जब पानी ज़्यादा आए ना उस वक्त जो है ना वो अपना सामान इधर उधर ला सकते हैं इंजन चला के जी। इसके आगे जो है ना इन्होंने एक फ़ैन लगाया हुआ वो सामने जी, ताकि ये जो इंजन है उधर से पानी इधर को जा सके जी। आपने जी विज़िट किया कि कैसे जी लोग इधर से उधर अपना सामान लेके जाते हैं, तो बहुत ही मुश्किल काम है जी, दरिया पे जो लोग ज़मीनें रखते हैं उन्हीं को पता जी कैसे काम होते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह जी लोगों की फसलें सारी की सारी तबाह कर दी हैं पानी में, ये दरिया नहीं है ये लोगों की फसलें हैं, लोगों ने इधर मूंजी लगाई हुई थी
तो दरिया ने जी कम से कम ना कोई 4-5 मरबे जो खेत ना वो तबाह कर दिए, इधर 400-500 एकड़ जो ना वो तबाह हो गई है पानी की वजह से जी। अभी चलते हैं जी नीचे। इधर बैठ के तो क्या करने लगे हैं ज्यादा, क्या करने लगे इधर? अल्हम्दुलिल्लाह जी सैर हमने कर लिया, आपको भी सारा विजिट करवाया। अभी जी होने लगी है पेट में भूखा महसूस हुई है, तो हम लोग जी खाने लगे हैं। वो सामान जो हम अपने टाउन से लेके आए थे वो क्या है अभी आपको चेक करवाता हूँ जी। सबसे पहले जी पाकिस्तान के गोरमा, हम लोग जो है ना बाहर की बोतल नहीं पीते जी, गोरमा पीते हैं सिर्फ। और साथ है जी, और साथ जी नान और पकौड़े, साथ चटनी चटनी जी। अब जी अभी पानी आई देखा तो किन्ना का भला पानी आई इंडिया भला ਸਾਡਾ ਵੀ ਨਾ ਪਿੰਡ, ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਆਏ? ਸਾਡਾ ਪਿੰਡ ਹੈ ਕਿਆਂਪੁਰ। ਸਹੀ 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 ਹਾਂਜੀ। ਇਹ ਐਸੇ ਪੈੜੀ ਮੈਂ ਕਿ ਫਸਲਾਂ ਫਸਲਾਂ ਤਬਾਹ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਲਾ, ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਮੈਂ ਤਬਾਹ ਹੋ ਜਾਂਦਰ ਕਿ ਨਹੀਂ ਭਲਾ? ਹਾਂਜੀ ਆਹ ਸਾਰੀ ਜਿੰਨੀ ਆ ਜੇ ਪੈੜੀ ਹੈ ਜੇ ਹਾਂ ਸਭ ਮੁੰਜੀ ਲੱਗ ਗਈ। ਸਹੀ ਜਿਹੜੀ ਲੱਗੀ ਚਾਹ ਸਾਹਿਬ ਸਾਰੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਤਬਾਹ ਹੋ ਗਈ। ਮੇਰੀ ਹੱਕੇ ਜੋੜ ਕੇ ਆਈ ਆ। ਸਹੀ ਸਹੀ ਮਾਲ ਡੰਗਰ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਬਚ ਗਿਆ ਨਾ ਅਜੇ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਇੱਥੋਂ ਸੁੱਟ ਕੇ ਨਾ ਉਹ ਇੱਥੇ ਕਿਸ਼ਤੀ ਹੀ ਕਰੇ ਹਾਂ ਉਹ ਕਿਸ਼ਤੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛੋਟ ਛੋਟ ਲਾ ਬੰਦੇ ਖਾਂਦੇ ਨੇ ਖਾਦ ਹਲੇ ਮੁੰਜੀ ਲੱਗਣ ਦੀ ਹੈ ਅਜੇ ਮੁੰਜੀ ਲੱਗਣ ਦੀ ਹੈ ਪਾਣੋਂ ਬਾਹਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਬਾਬਾ ਜੀ ਤਾਂ ਮੁੜੇ ਚੱਲੀਏ ਯਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਅੱਛਾ ਜੀ ਫੋਨ ਦੱਸੋ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹਰ ਡੰਗਰ ਆਈਫੋਨ ਇੱਕ ਗਾਈ ਵਿੱਚ ਜੇ ਦੋ ਆਈਫੋਨ ਆ ਜਾਂਦੇ ਜੀ ਆਈਫੋਨ ਲੈਣਾ ਆਈਫੋਨ ਲੈਣਾ ਆਈਫੋਨ ਲੈਣਾ ਕੀ ਲੈਣਾ ਆਈਫੋਨ ਦੱਸੋ ਹੁਣ ਡੰਗਰ ਜਰਾ ਹੈ ਵੀ ਜੋੜ ਸ਼ਕਲ ਗੱਡੀਆਂ ਦਾ ਵੇਖ ਡੰਗਰ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਡੰਗਰ ਬਾਹਰ ਚੜੇ ਟੈਂਸ਼ਨ ਕਿਉਂ ਲੈ ਗਏ ਬਾਬਾ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਕਲ ਕਿਉਂ ਰਾਹ ਕਿਹੜਾ ਜਾਂਦਾ ਭਲਾ ਡਰ आज का व्लॉग कैसा लगा? तो मैंने सारा आपको विजिट करवाया। अगर अच्छा लगा तो हमारी वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करके साथ बेल को जरूर दबा दें ताकि मोस्ट इंटरेस्टिंग व्लॉग्स का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे जी। तो आपने वो भाईजान की गुफ्तगू भी सुनी कि कितना ज़्यादा पानी इधर आया हुआ था। हम जी कम से कम 15 दिन लेट हुए हैं लेकिन पानी इधर तक पहुँचा था जिधर ये पत्थरा सामना, इतना इतना मसल का पानी इधर आया हुआ था जी। खुदा हाफिज़, मिलेगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़ जी।